जय श्री स्वामीनारायण। आओ सौ साथे मळी घरे बैठा लाभान्वित थईए। आपन सर्वे ने भगवान श्री हरि मां प्रीति थाय, तेमना स्वरूपनी दृढ़ता थाय, आपनु जीवन धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति थी सभर बने अने भगवान श्री हरिनी प्रसन्नताना पात्र बनी। तीर्थधाम सरधार ने आंगणे उजवाय। पवित्र अधिक मास मा श्री हरि वाक्य सुधा सिंधु होमात्मक यज्ञ अनुष्ठान। पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी ना पावन सान्निध्य मा विद्वान संतो द्वारा संस्कृत श्लोक गान साथे शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि सह योजायेल आपने घरे बैठा पुष्प अक्षत वड़े आहुति आपी। हरि ओम सहस्त्र शीरिका पुरुखः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिकौ सर्वत्र सप्तपात्यतिष्ठ दशाङ्कुलम् पुरुख एवेतकौ सर्वञ्जद्भूतं चष्ट भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो च तन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वः उदेत्पुरुखः पादोऽसेहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत् साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराड। माया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्त ईशान्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवतदाभक्ताद् अहं नारायणो मुनिः जनिषे कौशले देशे भूमहि समगो द्विजः मुनिशापनृतां प्राप्ता नृषिंस्तात् तथोद्धवं ततो वीता सुरेभ्योः सद्धर्मां स्थापयन्नज सद्धर्मां स्थापयन्नज। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री राधा रमण देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। श्री काष्ठभंजन देव की जय। अथ दुर्गपुरस्य अन्त्य प्रकरणस्य त्रिंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणे स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य भूताष्टवसुभूमिते पौर्णमास्यं सहस्यस्य वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणे स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग आभयेः क्षितिपस्य सह विराजतासने तौले श्रीगोपीनाथ मन्दिरे स्वामिनारायणे स्वाहा। सीतसर्वाम्बरो भक्तिर्वृतः स्वीयैः सहस्रशः त्यागिभिर्गृहिभिश्चासौ स्वयमेव वदत् सतः स्वामिनारायणे स्वाहा। रोचते भक्त ईदृग् मे मनस्तत्रावरुध्यते स्वधर्माचलनिष्ठो यश्चिद्रूपात्माभिमानवान् स्वामिनारायणे स्वाहा। तेजो राशो हरिर्नित्यं तिष्ठतीति वदन् दृढं भक्तिं यस्तस्य कुर्याच्च प्रीत्या दृढविरक्तिमान् स्वामिनारायणे स्वाहा। केवलं भगवत् प्रीत्यै निष्ठद्मविदधीत यः तपो योगं व्रतादिं च सत्समागमलालसः स्वामिनारायणे स्वाहा। एतद्वीपर्ययाचारे कस्मिंश्चिद् अपि पौरुषे
रुचिर्नास्त्येव मे नूनं वेदशास्त्र रतेपि वै स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्यच्च वच्मि युष्मभ्यं लग्नं यत्रास्ति मे मनः सदैव सानुसन्धानं श्रुणुतार्थांस्तु पञ्चतान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्रियासु क्रियमाणासु सर्वास्वपि च सर्वदा देहस्थितिः क्षणमपि भवितेति न वेद्म्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा। गतो देहागतोऽद्यैवेत्येवं जानामि तत्त्वतः वैराग्यरूप इत्येको भवत्यर्थो मनोगतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वपुषा क्षणिकेनापि कर्मे तावत्तु शोभनं संसाधितम् अथेतावत् साध्यमस्ति स्वशक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्येवास्यनुसन्धानं सर्वदा मम मानसे द्वितीयोऽर्थोऽयमुदितस्तुतीयं च निबोधत स्वामिनारायणाय स्वाहा। वासना इन्द्रियार्थानां पञ्चानामपि सर्वथा नष्टा भवन्ति तः किं वाशिष्टा इत्यनुसन्दधे स्वामिनारायणाय स्वाहा। यदि शिष्टास्तदोन्मूल्यः शीघ्रमेवाति यत्नतः नष्टानां च न विश्वासः क्वापि तत्पुनरुत्थितेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तृतीयोऽर्थोऽयमुदितश्चतुर्थस्तु निरन्तरं महताम् अपि भक्तानां सम्यग् हार्दावलोकनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतावत्यः किलैतेषां नष्टा विषयवासनाः एतावत्योऽवशिष्टाश्चेत्यनुसन्धानमस्ति मे स्वामिनारायणाय स्वाहा। पञ्चमोऽर्थस्तु मनस औदासीन्यापनोदनं विचारेणेव महता परोपकृतयेऽस्ति वै स्वामिनारायणाय स्वाहा। औदासीन्ये जायमाने न जाने क्वापि निर्गमः भवेत् स्वस्याथ तेन स्याद् अन्येषां खिन्नता भृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अत्र स्थितौ तु मे सर्वे त्यागिनो गृहिणोऽपि च सहर्षं भगवद्भक्तिं कुर्युरित्यनुसन्दधे स्वामिनारायणाय स्वाहा। सोत्साहं भगवद्भक्तिं कुर्वतः सकलानिमान् भक्तान् समीक्षमाणस्य मनो मे प्रियते तरां स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वभक्तजनशिक्षार्थम् इत्थं स निजवर्तनं तानुवाच स्वयं त्वस्ति साक्षान्नारायणप्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। आपीयतास्येति वचो मृतं ते भक्तप्रियस्याखिल साधु भक्तः गृहस्थभक्ताश्च सभोपविष्टा महान्तमापुर्मनसि प्रहर्षं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनि विरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ त्रिपञ्चाशदधिकद्विशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ दुर्गपुरस्य अन्त्यप्रकरणस्य एकत्रिंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य भूताष्टवसुभूमिते चतुर्थ्यां तपसः शुक्ले वचो मृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्गा उत्तमस्य सवेश्मनः वितर्दौ प्रत्यगास्यस्य न्यषीदन्मञ्चकासने स्वामिनारायणाय स्वाहा। शीतवासः साधुभिश्च गृहिभिः परितो वृतः सद्भिः सवाद्य गीतानि कृष्णपद्यानि सौ शृणोत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। हरिर्हारिलयष्टिर्म इति पद्यं स साधुभिः गीतं निशम्य संरुष्टो गातुमाजिज्ञपत् मुनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यमुना यः स्थितस्तीर इति पद्यं तदाज्ञया जगुस्तदान्तर्दृष्टिः संसतत् श्रुत्वा ब्रवित्सतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तेजो राशिर्भवत्येकः कोटिन्द्वर्काग्निसम्प्रभः यमाहुरक्षरं ब्रह्मानन्तं कृष्णस्य धाम च स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्ति तत्र स्वयं साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तमः अवतारा भवान् त्यात्र तस्माद् एवाखिला अपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्षराक्षरपरः सोऽस्ति सर्वकारणकारणम् अक्षरात्मकमुक्तोघ संसेवितपदाम्बुजः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स एव भगवान् साक्षाद् युष्मद्रग्विषयोद्यतु वर्ततेऽत्यन्तकारुण्यान् नृणां निःश्रेयसाय वै स्वामिनारायणाय स्वाहा। अक्षरे धाम्नि या मूर्तिर्वर्तते परमा
आत्मनः तस्याः साक्षात् तु कृष्णस्य मूर्तिश्चास्ति तद्रुक्षता स्वामिनारायणाय स्वाहा। यो भक्तो मायिकाकारे स्याद् अत्यंत विरागवान् कृष्णस्वरूपलुब्धश्च सतामनुभवे हृदि स्वामिनारायणाय स्वाहा। उभयोरन्तरं किञ्चिद् अपि नास्त्येव सर्वथा वर्णेन वयसा पुष्ट्या तथोन्नत्येन च ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अग्रतश्चक्षुषः साक्षाध्यायतो भगवत्तनुं पुंसोऽल्पोऽपि तयोर्भेदो नैव तिष्ठति सर्वथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। ध्यातासौ यर्हितामेव प्रातिलोम्येन चक्षुषः अन्तर्ध्याये तदा त्वेनं पश्येत् तत्तारकासमां स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः स प्रातिलोम्येन यदा कण्ठान्तरे च तां पश्येत्तदा तु तामेव संविक्षेत महीयसीं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अत्युन्नतां चातिपुष्टां ईक्षेतातिभयङ्करां ततस्तां प्रातिलोम्येन सम्पश्येद्हृदये यदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वबुद्धिस्थात्मनि तदान् वीक्षेताङ्गुष्ठमात्रकां ततस्तां प्रातिलोम्येन पश्येत् सोऽक्षरधामनि स्वामिनारायणाय स्वाहा। जीवात्परत्र कोट्यर्कचन्द्रतेजसि तत्र तु तां स पश्यति दृष्ट्यग्रे पूर्वं दृष्टा यथा तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतो योऽस्त्यक्षरे धाम्नि गुणातीते हरिः स्वयं स एवास्त्यत्र प्रत्यक्षो नास्त्यल्पापि तयोर्भिदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। मनुष्याकृतिरप्येष कृष्णो भवति निर्गुणः अक्षरस्थ इवेत्येव विज्ञेयः सूक्ष्मदर्शिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तन्मूर्तिभेदः पूर्वं यो ध्यानिना वीक्षितः स तु तत्तद्गुणात्मकस्थानिरेव नत्वस्ति वास्तवः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं भगवता तेन स्वस्वरूपनिरूपणं कृतं स्वभक्तबोधाय कृपयैव परोक्षवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति शितुस्तस्य वचो मृतं ते निपीय सन्तो निखिलः प्रमोदम् भक्ता गृहस्थाश्च सभोपविष्टः सम्प्राप्य भक्त्येव ववन्दिरे तं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनि विरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ चतुःपञ्चाशदधिकद्विशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ दुर्गपुरस्य अन्त्यप्रकरणस्य द्वात्रिंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य भूताष्टवसुभूमिते तपसः शुक्लपञ्चम्यां वचो मृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य स वेश्मनः वितर्दौ प्रत्यगास्य व्यराजतमहासने स्वामिनारायणाय स्वाहा। वसन्तिका निवासांसि परिधाय वृतौ निजहि वासन्तकृष्णपाद्यानि सद्भिर्गीतानि सोऽशृणोत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथाह मुक्तानन्दादीन् साधून् साधुप्रियः प्रभुः विषया विनिवर्तन्ते इति पद्यार्थ उच्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा। ते रामानुजभाष्येण तदर्थमवदंस्ततः तं श्रुत्वा सोऽब्रवीद् इत्थं मया स्यार्थस्तु निश्चितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। आहारः सति तारुण्ये रसनीयः शनैः शनैः युक्तः स एव विधातव्य इन्द्रियाणि जिगीर्षुणा स्वामिनारायणाय स्वाहा। बलं न क्षीयते देह्यं विना त्वाहारलागमं बलक्षयं विना नैव स्याद् इन्द्रियजयोऽपि वै स्वामिनारायणाय स्वाहा। युक्ताहारविहारः सन् भक्तिं नवविधां हरेः यः कुर्यात् तस्य भक्तत्वं निर्विघ्नं परिपूर्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। समाधिनिष्ठोऽपि पुमान् इन्द्रियाणां जयं विना तद्वशः सन् भवेद् भ्रष्टः किमु तर्ह्यल्पसाधनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। उपवासैर्न बहुभिराहारस्य यमो भवेत् यत्सतेर्वृद्धिमेवैति तृष्णा य अतिवृद्धितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतः शनैः शनैः एव युक्त्या धीरः पुमांस्तु तं न्यष्ठंश्च भजेत् कृष्णं ततः सिद्धिमवाप्नुयात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्युक्त्वा सततः स्वामी क्षणान्ते पुनराहतान् भक्तिं कृष्णस्य कुर्वद्भिर्माहात्म्यं तस्य बुध्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा।
तद्वेदनमपि द्वेधा भवतीति निरूप्यते सतां तदन्यदसतां त्वन्यदेवेति भेदतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सदा कृष्णोऽस्ति साकारो बृहद्धाम्न्यति तेजसी योऽन्तर्यामी च सर्वेषां सर्वकारण कारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अनेक कोटि ब्रह्मांड महाराजश्च निर्गुणः दिव्यानंदमयाकार प्रत्यक्षोस्ति स वै हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तदन्यदखिलं दृश्यं मायिकं चास्ति दुःखदं ततस्तत्र रुचिं हित्वा भजनीयो ह्यसौ सदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। कालो माया शिवो ब्रह्मा सूर्य चंद्र यमादयः तन्मर्यादां सावधानः सभयं पालयन्ति हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। मया तु धर्म मर्यादा पाल्या तस्यैव सर्वथा तत्प्रीतय इति ज्ञानं सतामस्तीति गम्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा। असन्तः कुधियो येते त्वित्थं जानन्ति चेतसि महत्तमोऽस्ति वै कृष्णो भगवान् भक्त वत्सलः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अधर्मोद्धारकः साक्षात् स्वयं पतितपावनः तस्याश्रयेण जातोऽस्मि सर्वदैवाकुतो भयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतो धर्मच्युतो क्वापि जातायाम् अपि चेतसि तच्चिन्ता नैव कर्तव्ये त्यसतामस्ति वेदनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं यः कृष्णमाहात्म्यम् आलम्ब्यासन्मतं पुमान् पापभीरुर्भवेन्नैव सोति दुष्ट इति यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्ताभासं विदित्वा तं तस्य सङ्गः कदाचन मुमुक्षुणान् कर्तव्यः कृते भ्रश्येद्धि सन्मतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सन्मतं यस्य तु भवेत् कृष्णमाहात्म्यवेदनं प्रयत्नेन विधातव्यः सङ्गस्तस्य मुमुक्षुणा स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुधामि वा स्वाद्य हरेरुदारम् इत्थं वचस्ते मुनयः प्रमोदं गृहाश्रमस्थाश्च तदीय भक्तः प्रपेदिरेतेऽप्यखिलः सदहस्थः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनि विरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ पञ्चपञ्चाशदधिकद्विशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ दुर्गपुरस्य अन्त्यप्रकरणस्य त्रयस्त्रिंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य भूताष्टवसु भूमिते तपस्य शुक्लेकादश्यां वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य स भूभुजः स्थितां शुकधरो राजत् गोपीनाथस्य मन्दिरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। वृतः सद्भिश्च गृहिभिः स्वभक्तिः परितः प्रभुः उवाच स्वाग्रगान् साधुन् सर्वे शृणुत सादरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्तानामिह कृष्णस्य तद्भिन्नाखिलवस्तुषु दृढं वैराग्यमुचितं कृष्णे प्रीतिश्च भूयसे स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्त्रीपुत्ररसवित्तादिपदार्था हतबुद्धिता स्त्रियाद्यर्थं चान्यमन्त्राद्दौ श्रद्धया हीनतोचिता स्वामिनारायणाय स्वाहा। ईदृशा हरिभक्तास्तु सत्सङ्गेष्वपि दुर्लभाः मुक्तानन्दश्च गोपालानन्द एतौ हि तादृशौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। अलौकिकं चमत्कारं दर्शयत्यपि पूरुषे नानयोर्गौरवमतिर् भवेत् क्वापि हरिं विना स्वामिनारायणाय स्वाहा। सच्चिद्रूपे स्वात्मनीयः साक्षात् कृष्णं सदा स्थितं विद्या दिव्याकृतिं चान्याकारान् सर्वांस्तु नश्वरान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। दृढवैराग्यवान् यश्च कृष्णमाहात्म्यवित्तथा भवेत् तस्य तु न क्वापि भवेद् बुद्धो भ्रमः खलु स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथापि स्त्रीरसधनप्रसङ्गः सर्वथैव हि ईदृशैरपि न क्वापि कर्तव्यः पुरुषैरिह स्वामिनारायणाय स्वाहा। सन्तो महान्तोऽप्येतेन भवेयुः सत्पथच्युतः यायुश्चातिनिकृष्टत्वम्
अत्र नास्त्येव संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पदार्थाः स्त्र्यादयोः येते सुरा वत्स्वोपभोगिनं सद्यो भ्रष्टमतिं कुर्युः पण्डितं वाप्यपण्डितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रसंगो वीजने स्त्रीणां सुरूपाणां भवेद्यदि महतो वित्तराशेर्वा मुहुः स्याद् उपलम्भनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्रियेत वा स्वस्य नरैर्लक्षशो माननं यदि तदा महान्तः संतोपि मुह्येरन्निति निश्चयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एकं नारायणं ऋषिं विना तु धनयोषितां प्रसंगेन नरः कोऽपि न भ्रष्ट इति न श्रुतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तस्मान्न सर्वथा कार्यः प्रसंगो धनयोषितां मुमुक्षुभिश्च मुक्तिर्वा मच्छ्रतैः स्वहितार्थिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वधर्म ज्ञान वैराग्योपेता भक्तिर्दृढा हरेः साधनीया प्रयत्नेन स्याद् एकांतिकता यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एकांतिकस्तु यो भक्तो वासुदेवे सनिश्चितं प्रविश्यास्ते सेवते च लक्ष्मी वत्तं सदा दरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततोस्य काल मायादि भयं सर्वं निवर्तते अतोत्र विघ्नकृत्याज्यो सत्प्रसंगो विवेकिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रवेशस्तु हरौ ज्ञेयः स्नेहाधिक्येन चेतसि तस्याखण्डानुसन्धानं न तु तस्मिन् स्वलीनता स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा हि फेन प्रमुखे व्यसने सक्तचेतसः तद्विना वर्तनं नैव भवेत् पुंसः कथञ्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथैकान्तिकभक्तस्य साङ्गभक्तौ रमापतेः विषक्तचेतसः क्वापि तां विना वर्तनं न हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। कट्वामयकरं लोकगर्हितं वित्तहानिकृत् अपि न व्यसनि क्वापि मुञ्चति व्यसनं यदि स्वामिनारायणाय स्वाहा। इह मुत्राति सुखदं कृष्णं भूरि यशस्करं तर्हि भक्तः कथं क्वापि मुञ्चेद् आधारमात्मनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं कृष्णैकचित्तस्य भक्तस्य जीवतोऽपि वा मृतस्य कृष्णे विज्ञेयं प्रवेशोऽस्तीति निश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। चतुर्धा मुक्तिमप्येष भक्तो वाञ्छे न कर्हिचित् कुतस्तर्ह्यल्पसुखदं स्वर्गं राज्यादि वा नृणां स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्तो भूत्वापि यो विष्णोः सुखे सज्जेत मायिके रज्येत वा कुसङ्गेऽपि स भ्रष्टो भविता ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा। देहाभिमानो नारी च दुःस्वभावो धनं रसः एते भक्तौ महाविघ्न ज्ञेयास्त्याज्याश्च यत्नतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सति देहेऽभिमाने तु तत्र रोगादिसंभवे अलाभे क्वचिद् अन्नादेर्वाग्यायां तपसोऽपि वा स्वामिनारायणाय स्वाहा। शिथिलैव भवेद्भक्तिस्तदा तस्य च चेतसि विचारः कोऽपि तिष्ठेन्नो ततो कार्यरतिर्भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्त्रीद्रव्यरसयोगे तु प्रीतिस्तस्य हराविव तेष्वपि स्यात् ततो भक्ति शिथिलत्वं व्रजेद्ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा। दुःस्वभाववशस्यापि पुंसस्तत्खननोदितैः सद्वचोभिर्व्रजेदेव शैथिल्यं भक्तिरीशितुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अत एतान् प्रयत्नेन विघ्नान् स्वश्रेयसे सुधिः वैराग्याभ्यासयोगेन सत्प्रसङ्गं चरंस्त्यजेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। निशम्यते संसदि धर्मसूनोस्तस्येति पीयूषसमानवाचम् अन्त्याश्रमस्थाश्च गृहाश्रमस्थः सर्वेऽपि भक्ता हृदि मोदमापुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनि विरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ षट्पञ्चाशदधिकद्विशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ दुर्गपुरस्य अन्त्यप्रकरणस्य चतुस्त्रिंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य भूताष्टवसुभूमिते मधोः शुक्लतृतीयायां वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे स्वामी श्रीगोपीनाथमन्दिरे
व्यराजतासने श्वेत सर्ववासावृतो निजैः स्वामिनारायण स्वाहा। तम पृच्छत् शूक मुनि प्रणम्य पुरतः स्थितः हिताय भजताम नृणाम सर्वेषाम अपि ते पदम स्वामिनारायण स्वाहा। हृदि तिष्ठे सदैवैका कृष्णस्य तव वासना तद्भिन्ना च विनष्टा स्याद्वासना मूलतोखिला स्वामिनारायण स्वाहा। साधन द्वितीयं तत्र प्रतिभाति मम प्रभो प्रीतिदार्ढ्यं त्वयि हरौ चेकं ज्ञानं विरागयुक् स्वामिनारायण स्वाहा। एतद्वयं यस्य सम्यग् न वर्तेत स्वमानसे निश्चयस्तु भवेत् सम्यग् हरेः श्रद्धा च भूयसि स्वामिनारायण स्वाहा। तस्य तत्सिद्धयेस्त्यन्य उपायो वा नहीश्वर इति पृष्ठः स धार्मिस्तं प्रोवाच शृणु सन्मते स्वामिनारायण स्वाहा। प्राकृतानां वासनानां हृदः सम्यग् निवृत्तये कृष्णैकवासनायाश्च सम्यक् संसिद्धये हृदि स्वामिनारायण स्वाहा। त्वदुक्तसाधनद्वन्द्वमेव मुख्यतया मतं साधनान्तरमप्यत्र वर्तते तद्वदामि ते स्वामिनारायण स्वाहा। ब्रह्मचर्यव्रतं तेन त्वष्टधा स्त्रीविवर्जनम् पालनीयं प्रयत्नेन भक्तिनात्मनिवेदिवत् स्वामिनारायण स्वाहा। मायिकार्थेषु कर्तव्या दोषदृष्टिश्च पञ्चसु श्रद्धया च सतां सेवा भक्तिश्च नवधा हरेः स्वामिनारायण स्वाहा। एतच्चतुष्टयं यस्य भवेच्छ्रितवतो हरिं ज्ञानप्रीति विनाप्यस्य भवेत् कृष्णैकवासना स्वामिनारायण स्वाहा। इत्याश्रुत्य स तद्वाक्यं पुनः पप्रच्छतं मुनिः प्रसिद्धिरस्ति सर्वत्र कामात् क्रोधो विजायते स्वामिनारायण स्वाहा। यस्य यस्य पदार्थस्य स्वस्य कामो भवेद्धृदि तस्य तस्य प्रतिहतो भवेत् क्रोधो न संशयः स्वामिनारायण स्वाहा। कार्यकारणभावोऽयम् अस्ति स्वाभाविकः खलु यतस्त्यागिष्वपि तथा दृश्यतेऽन्यत्र किं पुनः स्वामिनारायण स्वाहा। एवं सत्यपि कस्यापि स्वकामोहतावपि नैव क्रोधो भवेत् क्वापि त्येवं स्याद्वा नहि प्रभो स्वामिनारायण स्वाहा। श्रीहरिरुवाच स्वामिनारायण स्वाहा। महान्तः साधवो येत्र तेषां तु हृदि सर्वथा संकल्पः शुभ एव स्याद् धर्मपोषणकारणं स्वामिनारायण स्वाहा। तत्रापि स तु केषाञ्चित् जायते हर्यनुज्ञया शास्त्रदृष्ट्यैव दयया केषाञ्चित् तु स जायते स्वामिनारायण स्वाहा। ततस्तेत्र प्रवर्तन्ते धर्माध्वस्थापनोद्यतः बोधयन्तश्चाज्ञ जीवान् ज्ञानं भागवतं परं स्वामिनारायण स्वाहा। यः कश्चिद्धर्ममर्यादम् उल्लङ्घ्याधर्ममाचरेत् तस्मै क्रुध्यन्ति ते तस्य शिक्षणाय हिताय च स्वामिनारायण स्वाहा। अन्यथा धर्मसेतूनां रक्षणं न भवेद्ध्रुवं धर्मच्युतानां च नृणां न च श्रेयो भवेत् क्वचित् स्वामिनारायण स्वाहा। तस्मात् सहस्रशो नृणां स्वाश्रितानां हिताय यः शुभसङ्कल्पजः क्रोधस्तेषां नास्त्येव सौखकृत् स्वामिनारायण स्वाहा। जनसङ्गं परित्यज्य चरे यूर्ये वनान्तरे तेषां तु न भवेत् क्वापि क्रोधोऽन्येषां तु सम्भवेत् स्वामिनारायण स्वाहा। सहस्रशो नृणां धर्मस्थापनेन महत्फलम् भवतीत्येव मत्वैव सन्तः क्रुध्यन्ति कर्हिचित् स्वामिनारायण स्वाहा। धर्मस्थापन आज्ञायाः पालनेन हरेरपि प्रसन्नता स्याद् इति ते न त्यजन्ति स्वकामनां स्वामिनारायण स्वाहा। स्वापेक्षया महान्तो ये भवेयुः साधवो गुणैः स्वश्रेयः स्वार्थसिद्धिश्च यदि तेभ्यो मता भवेत् स्वामिनारायण स्वाहा। तदा तु तेषु कर्तव्या प्रीतिरेव दृढा सदा क्रोधस्तु सर्वथान्नेव तेषु कार्यः कदाचन स्वामिनारायण स्वाहा। एवंविधः स्वसङ्कल्पभङ्गेऽप्यनुदयो भवेत्
क्रोधस्येति विजानीहि सन्माहात्म्यावबोधना स्वामीनारायण स्वाहा। व्यावहारिक तुच्छार्थ हेतो क्रोध्येतु यह सते धर्मनिष्ठाय सपुमान गेयो मूर्खश्च पापकृत स्वामीनारायण स्वाहा। बुद्धिमानपि कश्चित् स ते क्रोध्येच्च तु तन्मतिः ज्ञेयान परमार्थेति किन्तु सा व्यावहारिकी स्वामीनारायण स्वाहा। अतो विचार्य कर्तव्यः क्रोधस्त्याज्यश्च सद्धिया हेयोपादेयतात्वस्य बुध्यते साधु सेविभिः स्वामीनारायण स्वाहा। श्री हरे रीति वच सुधोपमं साधुरेश हि निशम्य चेतसि मोदमाप सकलाश्च साधवो ये परे गृहि जनाश्च तेऽप्यलं स्वामीनारायण स्वाहा। इति श्री शतानंद मुनि विरचिते श्री हरिवाक्य सुधा सिंधो सप्तपंचाशदधिक द्विशततमस्तरंगः स्वामी नारायण स्वाहा। वर्णिवे शरमणीय दर्शनं मंदहास रुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम नर नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम प्रभवे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम अजन्मने नमः। ओम श्री स्वामी नारायण स्वाहा। कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम हरये नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम हरि कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम भक्तिनंदनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम बृहद्धराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम राधा कृष्णेष्ट देवताय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम मरुत्सुत प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम काल भैरवाद्यति भीषणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम जितेंद्रियाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम जीताहाराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम तीव्र वैराग्याय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम स्यास्तिकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम योगकला प्रवृत्तये नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम अतिधैर्यवते नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम ज्ञानिने नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम परमहंसाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम तीर्थकृते नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम तीर्थकार्चिताय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम क्षमानिधये नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम सदोनिद्राय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम ध्याननिष्ठाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम तपः प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम स्वतंत्राय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम पाषंडोच्छेदन पटवे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम स्वस्वरूपाचल स्थितये नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम प्रशांत मूर्तये नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम निर्दोषाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम असुर गुरुवादि मोहनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम अति कारुण्य नयनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम उद्वाद्व प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम महावृत आय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम साधुशीलाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम साधु विप्र प्रपूजकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिने नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री कालदोष निवारकाय नमः। ओम श्री
स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सत्स्यास्त्र व्यसनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सद्य समाधि स्थिति कारकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा कौल द्वीशे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम कलितारकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम निर्दम्भाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सर्वजीवहितावहाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम भक्ति संपोषकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम शिवाग्मिने नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम चतुर्वर्ग फल प्रदाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम निर्मत्सराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम भक्तवर्मणे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम बुद्धिदात्रे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम पतिपावनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम बुद्धहृते नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम धामदर्शकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा पराजिताय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा समुद्रांत सत्कीर्तये नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा श्रुत संस्कृति मोचनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा उदाराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा सहजानंदाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा साध्वी धर्म प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा कंदर्प दर्प दलनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम वैष्णव कृतुकारकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री पंचायतन सन्मानाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा नैष्टिक व्रत पोषकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा प्रगल्भाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा निःस्पृहाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा सत्य प्रतिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा अरोषणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम दीर्घदर्शिने नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम षडूर्मि विजयक्षमाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम निरहंकृतये नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम द्रोहाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम ऋजवे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सर्वोपकारकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम नियामकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा उपशमस्थितये नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम विनयवते नमः ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम गुरुवे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम अजातवैरिणे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम निर्लोभाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम महापुरुषाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम स्यात्मदाय नमः ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम अखंडितार्ष मर्यादाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम यमदूत विमोचकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम पूर्णकामाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सत्यवादिने नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम गुणग्राहिणे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम तस्मयाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सदाचार प्रीतराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सर्वमंगल सद्रूपनाना गुण विचेष्टिताय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम स्वामीनारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम स्वामीनारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा इति श्री जनमंगल नामावली समाप्ता जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराती चरणे शीश धराती दुख ना क्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनु धारी प्रभु द्विज कुल तनु धारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी
68 तीर्थ चरणे, 68 तीर्थ चरणे, कोटि गया काशी प्रभु जय सदगुरु स्वामी। आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधि, वाले करुणा बहु कीधि, मुक्तानंद कहे मुक्ति, मुक्तानंद कहे मुक्ति, सुगम करी सीधि प्रभु जय सदगुरु स्वामी। बोलो स्वामी नारायण भगवान नी। भावी घणु चुंदड़ी सरा
ચુંદડી દિસે છે સારી आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।